राधा नहीं आई, क्यों? वो राधा रानी आप सबके लिए और फल लाने गई है, तब तक आप सब इन्हीं फलों को ग्रहण कीजिए। अब आनंद आएगा जब ये फल ऋषिगण ग्रहण करेंगे। आरंभ कीजिए। यह फल तो दूषित है, इसमें कीड़े हैं। द्वारका नगरी में ऐसे आतिथ्य की आशा नहीं था मैं। बुलाओ कृष्ण को। कृष्ण कह रहा था हमारी सेवा करना चाहता है। द्वारका में हमारा ऐसा अपमान हो रहा है। जाओ जाकर उस स्त्री को लेकर आओ जो ऐसे दूषित फल लेकर आई थी। मुनि श्रेष्ठ, क्या हुआ, कोई समस्या है? हमें दूषित फल खिलाए जा रहे हैं, तुम्हारे महल में हमारा अपमान हो रहा है। राधा ने ये फल भेजे हमारे लिए। नहीं नहीं मुनिवर, राधा तो मेरे साथ ही थी। एक बार पुनः एक अज्ञात स्त्री ने हमारे कार्य में विघ्न डाला है, एक बार वो मेरे समक्ष आ जाए ऐसा कठोर श्राप दूंगा उसे मैं। शांत हो जाइए ऋषिवर, आपका श्राप अत्यंत सिद्ध है। किसी से अवश्य अज्ञानता अवश्य भूल हुई होगी। मैं अभी आपके लिए भोजन बनाकर लाती हूँ। राधा, राधा, क्या हुआ? बस बहुत हो गया कृष्ण, अब मेरा मार्ग मत रोको। देखा तुमसे कितनी बड़ी चूक हो गई है। ऋषि दुर्वासा फिर से क्रोध करने लगे, सब तुम्हारी वजह से हुआ। हाँ ये सब जो हुआ है मेरे कारण ही हुआ है, किंतु अच्छा ही तो हुआ है। मैं था तभी तो मैं तुम्हें बचा पाया। नहीं तो तुम कह रहे हो कि तुमने मुझे बचाया, कैसे? कुछ भी कृष्ण, सत्य कह रहा हूँ। किसी ने दूषित फल बांटने की योजना बना ली थी, और यदि तुम वहां उपस्थित होती तो सारा नाम तुम पर आ जाता। राधे, ऋषि दुर्वासा का क्रोध तुम पर आता। हो सकता था वो तुम्हें कोई श्राप दे सकते थे, किंतु सब कुछ मेरे कारण ही हुआ है। हाँ, ये बात तो है, किंतु ये दूषित फल किसने दिए होंगे ऋषिवर को? कौन कर सकता है ऐसा? जो भी होगा राधे, पकड़ा जाएगा। संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा फल भी मिलेगा। कान्हा, वहां समस्त प्रजा तुम्हारी प्रतीक्षा में है और तुम यहाँ झूला झूल रहे हो। हाँ तो मैं वहां आके करूं भी क्या, सारे प्रबंध तो आपने पहले ही कर दिए हैं। तो हाँ कान्हा, किंतु वहाँ होना तुम्हारा अत्यंत आवश्यक है। भला राजा के बिना प्रजा का कोई भी कार्य संपन्न हुआ है आज तक? हो सकता है, अब सदैव कृष्ण का वहाँ उपस्थित होना संभव तो नहीं है। क्या हुआ था? तो जाइए, जाके कार्य प्रारंभ कीजिए अपने। मैं एक महत्वपूर्ण कार्य करके आ जाता। कान्हा, ऋषि दुर्वासे से अधिक महत्वपूर्ण समय क्या हो सकता है भला? सत्य कहूं तो दुर्वासा ऋषि के क्रोध से तो मुझे अत्यंत भय लगता है। न जाने क्रोध में आकर क्या कर दे वो। ऋषि दुर्वासा को इस बार क्रोधित होने दीजिए। ये तुम क्या है, क्या रहे हो कान्हा? सदैव ऐसा लगता है ना कि ऋषि दुर्वासा बात बात पर क्रोधित हो जाते हैं, किंतु ऐसा है नहीं था। बिना किसी कारण के ऋषि दुर्वासा क्रोधित नहीं होते। यदि कोई ऐसा बड़ा कारण होगा तो वो अवश्य क्रोधित हो, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कान्हा, किंतु एक बात मैं भली भांति जानता हूँ, यदि दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया ना। आपको बस इतनी सी बात जाननी है, इसके आगे जो भी होगा वो नियति होगी। नियति को बदला नहीं जा सकता था, इसलिए निर्भय होकर आज तक जिस प्रकार द्वारका के लिए अपने कार्य किए हैं
उसी प्रकार करते जाए, निश्चिंत हो जाइए। अब चलिए, जब उचित समय आएगा मैं स्वयं उस सभा में उपस्थित हो जाऊंगा। किंतु तुम करने क्या वाले हो, इतना तो बता दो। कुछ कार्य इतने अद्भुत होते हैं दाव के शब्दों में उनका वर्णन संभव नहीं। मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। अच्छा राधा, आज तुम ऋषि दुर्वासा से क्या शीश मांगोगी? राधा तो जो भी वर मांगेगी वो कृष्णा के लिए ही होगा। क्यों, मैं स्वयं के लिए कोई वर नहीं मांग सकती? अच्छा अब चलो भी, सभा के लिए विलंब हो रहा है। हाँ हाँ चलो चलो सखी। ये क्या हो रहा है? मैंने तो एक अत्यंत विशेष योजना बनाई थी और यहाँ राधा तो सखियों के साथ चली गई। भोली भाली राधे को सताए रे मुरारी, तो मान ही नहीं रहे। अरे भोली भाली राधे को सताए रे मुरारी, पहले सताए फिर बनाए रे मुरारी, तेरे छेड़ी खानी और चिढ़ाए रे मुरारी। मुझ पे पुष्प किसने फेंका? हाँ हाँ, कौन है जिसने मेरी सखी के साथ ठिठोली की? हाँ जो भी है वो बच नहीं पाएगा हमसे। सखिया ढूंढो उसे। तो तुम यहाँ छिप रहे हो कृष्ण, तुमको तो मैं अभी देखती हूँ। रहन दो राधा रानी, हमें चलना चाहिए, अतः दुर्वासा ऋषि का आशीष हमें नहीं मिल पाएगा। चलो चलो। उस दिन मुझे ऋषिगणों को फल भी नहीं प्रस्तुत करने दे और आज आशीष देने से रोक गए। कैसे गांठ बांधी है ये, खुल ही नहीं रही है। क्या है ये? वो क्या है ना, ये प्रेम की गांठ है। यदि शीघ्रता में खोलने का प्रयास करोगी तो खुलेगी नहीं, थक जाओगी। किंतु यदि यही गांठ प्रेम से सुलझा दो तो सुलझ भी जाती है। कृष्ण इस समय तुम्हें ठिठोली सोच रही है, जाने दो मुझे। नहीं 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 राधा सुनो, मेरी बात सुनो राधा, तुम कहाँ जा रही हो? रुक जाओ ना यहीं पे। क्यों ना जाऊं, वहां सखियों के साथ निकली थी और अभी नहीं मिलूंगी तो क्या कहेंगे वो। चलो जाने दो मुझे। मैं बताऊं वो क्या सोचेंगे? कुछ भी नहीं, वो अनुमान लगा लेंगी कि तुम मेरे साथ हो और उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। कृष्ण वहां सभी ऋषिगण सभा में आ गए हैं और तुम्हें यही समय मिला था प्रेम के लिए। चलो हटो, जाने दो मुझे। तुम यही रुको, मैं जा रही हूँ। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत करने वाला था, किंतु तुम्हें तो सभा में जाना है। जाओ जाओ। चली गई? नहीं, मैं बिना योजना जाने कहीं नहीं जाऊंगी। बताओ क्या योजना बनाई थी, पहले स्वयं बताते हो फिर बदल भी जाते हो। मैं जानता था मेरी योजना के लिए तुम सब कुछ त्याग सकती हो, क्योंकि यही मेरे प्रेम का बंधन है ना। ये प्रेम का बंधन तुम्हारे लिए है, मेरे अनुसार तो यही तुम्हारी विशेषता है। और मेरी प्रेमिका की विशेषता क्या है मैं भली भांति जानता हूँ। हाँ कृष्ण से अधिक राधा को कौन समझता है भला। चलो अब बताओ क्या योजना थी। अब तक तो समस्त ऋषि गणों के साथ साथ ऋषि दुर्वासा को यहाँ आ जाना चाहिए था, फिर क्या कारण हो सकता है कि वो अब तक आए नहीं? ऋषि दुर्वासा के आशीर्वाद बिना हम यहाँ से नहीं लौटेंगे दाऊ जी, कुछ कीजिए।
मुझे स्वयं ऋषिगणों के समक्ष जाकर उनके यहाँ ना आने का कारण ज्ञात करना होगा। हे ऋषिगण, हमसे ऐसी क्या त्रुटि हुई है कि आप सभी द्वारका की सभा में नहीं पधार रहे? हमारे समस्त अपराधों को क्षमा कर कृपा कर द्वारका की सभा में अपना दर्शन देकर सभी को अपना आशीष प्रदान कीजिए। बलराम, हमें अपने अपमान का भय है, इसीलिए हम नहीं आए। इतना बड़ा दुस्साहस भला कौन कर सकता है? वो अज्ञात कन्या जिसने पहले ऋषियों को वन में भ्रमित किया और उसके पश्चात हम ऋषियों को दूषित फल देने का दुस्साहस किया। मैं आपको आश्वासन देता हूं ऋषि श्रेष्ठ, वो कन्या जो कोई भी है उसे दंडित अवश्य किया जाएगा। तब तक आप सभी की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं स्वयं लेता हूं। मेरे विचार से जब बलराम ने हमारी सुरक्षा का स्वयं दायित्व लिया है तो हमें सभा में चलना चाहिए। समस्त द्वारका नगरी में एकमात्र सांब भी है जो इतना दुस्साहस कर सकता है, अवश्य ही वो मूर्ख कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। लाओ लक्ष्मण, दुपट्टा पहनाओ। अब मेरे मस्तक पर स्त्रियों की भांति सज्जा करो। नहीं आर्य साहब, अब क्यों कर रहे हैं ऐसा? आज मेरे श्रृंगार कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आर्य साहब, ये लक्षण किसी युवराज के लिए उचित नहीं है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि मैं ये सब अपने लक्ष्य को पाने के लिए कर रहा हूं? वैसे भी आज अंतिम बार जिस स्त्रियों की भांति मेरे मस्तक की सज्जा करनी होगी, उसके पश्चात मेरे मस्तक पर होगा द्वारका का राज तिलक। चलो लक्ष्मणा, बहुत हो गई बात, अब मेरे मस्तक की सज्जा करो। आर्य साहब, आप पुरुष के स्थान पर एक स्त्री बन रहे हैं। ऐसा ना हो जाए कि ऋषि दुर्वासा आपको श्राप दे दे और आप सच में एक स्त्री बन जाए तो क्या होगा मेरा? तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो, स्वयं गुरु शुक्राचार्य है मेरे साथ, उन्होंने मेरी रक्षा का आश्वासन दिया है मुझे। बताओ लक्ष्मणा, लग रहा हूं ना मैं बिल्कुल नव विवाहित स्त्री? जी आर्य साहब, मात्र कुमकुम का अभाव है। तो फिर शुभ काम में देरी कैसी है लक्ष्मणा? चलो लाओ, अब कुमकुम भी लगा दो। सकती मैं आपके मस्तक पर इस कुमकुम की रेखा में नहीं। पिताश्री पर विजय पाने के लिए तो मुझे सारी सीमाएं रेखाओं को लांघना पड़ेगा।